नमस्कार, आप देख रहे हैं एनबी न्यूज और मैं हूं आपके साथ योगेश पांडे। तो उत्तर प्रदेश समेत 5 राज्यों में विधानसभा के चुनाव नतीजे आए और उन चुनाव नतीजों में 4 राज्यों ने भारतीय जनता पार्टी की सरकार बन रही है और एक राज्य में जो कि पंजाब में आम आदमी पार्टी ने सरकार बनाया है। ऐसे में आने वाले समय में अब ये माना जा रहा है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 10 मार्च को आए नतीजों के बाद जो भारतीय जनता पार्टी के मुख्यालय से जब अपना उद्बोधन दिया था उस दौरान उन्होंने साफ संकेत कर दिए थे और ये 2024 के चुनाव के लिए इशारा भी कर दिया था कि अब भारतीय जनता पार्टी मिशन 2024 की तैयारी में लग गई है, क्योंकि उन्होंने अपने संबोधन में साफ तौर पर कहा था कि इन 5 राज्यों के चुनाव नतीजे ये साफ कर रहे हैं कि एक बार फिर से भारतीय जनता पार्टी की सरकार केंद्र में बनेगी। लेकिन 2024 से पहले भी कई ऐसे राज्य हैं, 5 राज्य और हैं जहां पर चुनाव होने हैं, वो चाहे राजस्थान का जिक्र करें, छत्तीसगढ़ का जिक्र करें, गुजरात का जिक्र करें, तो ऐसे में इन राज्यों में चुनाव हैं और आने वाले समय में क्या इन राज्यों में चुनाव के नतीजे जो आएंगे वो 2024 के नतीजों को साफ करेंगे, या फिर इन 5 राज्यों के जो चुनाव हुए इनमें जो नतीजे आए हैं क्या इन नतीजों ने 2024 की पटकथा लिख दी है? अपने आप में एक बहुत सवाल है और ऐसे में ये लगातार कयास लगाए जा रहे हैं कि आखिर विपक्ष के सामने कौन सा रास्ता होगा जो कि 2024 में भारतीय जनता पार्टी को कड़ा मुकाबला दे पाए, क्योंकि कांग्रेस के जो हालात जो स्तर हैं वो दिन ब दिन खराब होते जा रहे हैं और ऐसे में वो चाहे 2024 के चुनाव का 2014 का चुनाव का जिक्र करें या फिर 2019 के चुनाव का जिक्र करें, भारतीय जनता पार्टी ने शानदार बढ़त के साथ जीत हासिल की और 2.0 की सरकार इस समय केंद्र में चल रही है बीजेपी की। बीजेपी इस हैट्रिक को एक बार फिर से दोहराना चाह रही है, तीसरी बार केंद्र में सत्ता पर काबिज होने की जुगत में भारतीय जनता पार्टी लगातार लगी हुई है और जी जान लगा देगी आने वाले चुनावों में, चुनाव प्रचार प्रसार में, क्योंकि जो मुद्दे थे, तमाम सारे मुद्दे इन 5 राज्यों के चुनाव में उठाए गए, जनता के मुद्दों को भी उठाया गया, लेकिन वो सारे मुद्दे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के भाषण के आगे धराशायी हो गए। भारतीय जनता पार्टी के स्टार प्रचारकों के, चुनावी रणनीतिकारों के चुनाव प्रचार के दौरान जो भाषण दिए गए, उन सारे भाषणों के सामने विपक्ष के द्वारा उठाए गए मुद्दे धराशायी नजर आए और इन 5 राज्यों में से 4 राज्यों में भारतीय जनता पार्टी ने शानदार जीत हासिल की और सरकार बनाई। ऐसे में अब ये सवाल उठता है कि आखिर विपक्ष के सामने कौन सा वो रास्ता होगा जिस रास्ते के सहारे वो भारतीय जनता पार्टी को कड़ी चुनौती दे सके। तो आज चर्चा हम इसी मुद्दे पर करेंगे कि जिस तरीके से 5 राज्यों के जो चुनाव नतीजे आए हैं, 4 राज्यों में भारतीय जनता पार्टी और एक राज्य में आम आदमी पार्टी जो कि बेहद नई पार्टी है, उसने शानदार जीत हासिल की है और सत्ता पर काबिज हुई है। हमारे साथ दो मेहमान फिलहाल जुड़े हुए हैं, आपका परिचय करा देते हैं। पीयूष पंत जी हैं, राजनीतिक विश्लेषक के तौर पर बहुत बहुत स्वागत है आपका पीयूष जी। और प्रकाश सारस्वत जी जुड़े हुए हैं, भारतीय जनता पार्टी के नेता हैं। प्रकाश जी आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। प्रकाश जी सबसे पहले रुख आपका कर लेते हैं, 5 राज्यों में चुनाव के जो नतीजे आए हैं उसमें आपका परफॉर्मेंस वाकई बढ़िया रहा, शानदार रहा, लेकिन एक राज्य में जो चुनाव के नतीजे आए हैं, क्योंकि कांग्रेस पंजाब में इस बात को लेकर के लगातार आश्वस्त थी कि एक बार फिर से वो सत्ता पर काबिज होगी, क्योंकि तमाम सारे उलट पलट कांग्रेस ने किए पंजाब में लेकिन सब नाकामयाब हासिल साबित हुए, और सबसे नई पार्टी इतनी शानदार जीत हासिल की। और इस नई पार्टी का अगर जिक्र करें तो ये अपने पैर को पसारती नजर आ रही है, वो चाहे गुजरात में निकाय के नगर निगम के चुनावों को जिक्र करें,
या अन्य राज्यों में भी चुनावों का जिक्र करें, स्टार्टिंग शुरुआत कर दी है, और ऐसे में क्या ये आपको लगता है कि आने वाले समय में कांग्रेस की जगह आम आदमी पार्टी ले सकती है क्या? जहां तक आम आदमी पार्टी का प्रसंग है, गुजरात निकाय चुनाव में सिर्फ एक सूरत के अंदर इस पार्टी ने सीटें जीती थी, और वो भी उस परिस्थिति में जीती थी जहां कांग्रेस की सीटें नहीं आई, वो आम आदमी पार्टी की आ गई। उसके अलावा किसी भी राज्य में, गोवा में ये चुनाव लड़े, सरकार बनाने की ये वो बातें हुई, लेकिन वहां का परफॉर्मेंस सामने है। इसके अलावा किसी भी राज्य में, चाहे राजस्थान है, हरियाणा है, किसी भी राज्य में इनकी कोई उपस्थिति नहीं है। जहां तक लोकसभा चुनाव की दृष्टि से मानते हैं, आम आदमी पार्टी लगातार दो बार दिल्ली में सत्ता में आई है विधानसभा में, लेकिन लोकसभा की सातों सीट तब भी लगातार भाजपा जीत रही है। तो लोकसभा चुनाव के अंदर आम आदमी पार्टी का कोई भविष्य नहीं है। भगवंत मान इस पार्टी के इकलौते लोकसभा सांसद थे, इसलिए कि वो इस्तीफा दे चुके, तो आज की तारीख में लोकसभा में आम आदमी पार्टी का प्रतिनिधित्व भी नहीं है। और इस दृष्टि से मैं लोकसभा चुनाव के दृष्टिकोण से आम आदमी पार्टी को कहीं भी ठहरावा नहीं मानता। जी बिल्कुल ठीक बात आप कह रहे हैं पीयूष पंत जी। आम आदमी पार्टी बेहद नई पार्टी है, लेकिन सक्रियता अपनी बढ़ा रही है। अभी प्रकाश जी ने कहा कि दिल्ली की 7 सीटों पर उसको हार का सामना करना पड़ा, जबकि दिल्ली में सरकार में आम आदमी पार्टी थी, पंजाब में ही 1 सीट जीत पाई थी। ऐसे में ये जो कयास लगाए जा रहे हैं, या फिर क्योंकि कांग्रेस का जो वोट बैंक है वो लगातार जो गिरता जा रहा है, आने वाले समय में एक और कयास ये भी लग जा रहा है कि तीसरा फ्रंट भी खड़ा हो सकता है। देखिए 2024 की तैयारी तो भाजपा तो कर ही रही है, क्योंकि भाजपा तो हर समय जो है एक इलेक्शन मोड में रहती रहती है। एक चुनाव होता है, उसके बाद वो दूसरे चुनाव की तैयारी करती है, ये अच्छी बात भी है। हालांकि उसमें क्या होता है कि आप चुनाव जीतने तक ही अपने को सीमित रखते हैं। उसमें होता ये है कि जो मुख्य मुद्दे हैं वो गौण हो जाते हैं, और दूसरी तरह के मुद्दे जो है वो प्रचार में आ जाते हैं, उसके आधार पे जो चुनाव जीता या हारा जाता है। ये नुकसान बहुत इसका है कि आप हर समय ये सोचते रहते हैं क्या स्ट्रेटजी बनाए, किस तरह से जो है कि आप किस जात को अपने समूह, किस जाति समूह को अपने उसमें लाएं, इससे कौन सा मुद्दा ऐसा उठा दें जो है कि पूरे आपको जो है वो दिला दें। तो इस तरह से जो है वो देश का नुकसान होता है, वो जो जो मेन मुद्दे हैं, जो जनता का नुकसान होता है। लेकिन भारतीय जनता पार्टी चुनाव जीतती है क्योंकि वो उसी से तैयारी करती है पूरी तरीके से। जितना भी उनके पास हुआ संगठन बहुत मजबूत संगठन है, उनका ग्रासरूट लेवल तक संगठन है, उनके पास रिसोर्सेज बहुत ज्यादा है। दूसरी पार्टी कंपेरिजन में उन्होंने जिस तरह का कानून लेके आए, वो जो इलेक्टोरल बॉन्ड का, इसकी ट्रांसपेरेंसी उन्होंने खत्म कर दी, तो इसलिए उनको बहुत ज्यादा उसमें जो है कि डोनेशन मिलने लगा है, और ये पता भी जनता किसने दिया है, और फिर उसके लिए वो काम करती है, उस तरह की नीति बनकर बनाती है। तो पैसा बहुत है, संगठन बहुत मजबूत है, इसके बाद जनता पार्टी जीत चली जाती है। मुद्दे जो मुख्य होते हैं वो कहीं ना कहीं गौण हो जाते हैं। तो लेकिन आपने दूसरी बात उठाई कि क्या आम आदमी पार्टी कांग्रेस को रिप्लेस कर देगी, तो मेरा ये मानना है कि ऐसा नहीं। कांग्रेस देखिए नेशनल लेवल पर जो एक पार्टी है, निश्चित रूप से राज्यों में उसकी स्थिति खराब होती चली जा रही है, क्योंकि उसके लिए वो खुद भी जिम्मेदार है। आपसे जो उनके उनमें इतनी लॉबिंग है, आपसे इतने गुटबाजी है, जो एक दूसरे को नुकसान पहुंचाते हैं, और वो उसका ये नहीं समझते हैं कि वो जो है पार्टी का नुकसान कर रहे हैं, और पार्टी के साथ उनका भविष्य जुड़ा हुआ है, वो अपने ही पैर में कुल्हाड़ी मारते हैं। इसका हमने सबसे ज्वलंत उदाहरण हमने जो है कि पंजाब में देखा, जहाँ पंजाब में कांग्रेस की उम्मीद बनी हुई थी उसको देखा, हमने उत्तराखंड में देखा, उत्तराखंड में ये तो पक्का लग रहा था कि कांग्रेस फिर से आएगी, क्योंकि वहां पे होता है, लेकिन नहीं हुआ, क्योंकि उनकी अपनी जो एक अंदरूनी सर फटा हुई थी कांग्रेस की, उसको लेके जिस तरह टिकट बांटे गए, उसको लेके रेबल कैंडिडेट खड़े हो गए, उन्होंने नुकसान किया। और कुछ हद तक आम आदमी पार्टी ने स्टेट लेवल पर नुकसान करती है आम आदमी पार्टी, उसमें दो राय नहीं, वो जगह भरना चाह रही है वो, लेकिन राष्ट्रीय स्तर पर जो है कांग्रेस को रिप्लेस अभी नहीं किया जाता है, क्योंकि पैन इंडिया जो प्रेजेंस है वो कांग्रेस की है, आम आदमी पार्टी वहां कहीं भी नहीं खड़ी होती है। आम आदमी पार्टी की जो दिल्ली में जो है वो है, अब उन्होंने पंजाब में करी, पंजाब में भी जो रिक्तता आई थी भाजपा और जो है या अकाली दल की जो करप्शन था, जो उसका जो मिसमैनेजमेंट था, और जो कांग्रेस ने जिस तरह से आपकी लड़ाई थी और जो एजेंडे को अपने मैनिफेस्टो को पूरा नहीं किया, उसका फायदा आम आदमी पार्टी को मिला है।
लेकिन इससे ये नहीं कहा जा सकता कि वो लोकसभा चुनाव में भी जो है वो भारतीय जनता पार्टी को चुनौती दे सकती है, क्योंकि अभी उनका संगठन पैन इंडियन इतना मजबूत नहीं है। दूसरा, उनके पास नेता नहीं है, सिर्फ अरविंद केजरीवाल है। और दूसरा, अभी उनको बहुत मेहनत करनी पड़ेगी इसके लिए, और उनकी सरकारें क्या कर रही हैं और एक टीम के रूप में वो भाजपा की दिखाई देती है कभी कभी। तो ये निश्चित रूप से लोकसभा के चुनाव में थोड़ा मुश्किल है आम आदमी पार्टी के लिए, लेकिन अगर 29 का इंतजार आम आदमी पार्टी को करना चाहिए। लेकिन एक चीज पीयूष जी, जो मुझे लगता है कि देखिए, गुजरात में अप्रैल या मई से आम आदमी पार्टी की सक्रियता मुझे लगता है बढ़ जाएगी, अरविंद केजरीवाल के दौरे बढ़ जाएंगे जितना मुझे आकलन कर पा रहा हूं। और मुझे लगता है कि अब पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान भी गुजरात के दौरे मई में शुरू कर देंगे, क्योंकि 23 में चुनाव है। और ऐसे में जिस तरीके से अगर भारतीय जनता पार्टी को गुजरात में कहें तो देखिए, मुख्यमंत्री से बदलने से लेकर के चुनाव है, इसी साल दिसंबर के अंत में चुनाव है, दिसंबर में चुनाव है। हाँ, तो हिमाचल प्रदेश में भी चुनाव है, हिमाचल प्रदेश में भी है। तो जिस तरीके से अगर बीजेपी का वहाँ जिक्र करें तो मुख्यमंत्री को बदलने से लेकर के वहाँ को जातियों को फेंटने तक का सारा काम कर डाला है भारतीय जनता पार्टी ने। हमने नगर निगम के चुनावों का जिक्र किया, आम आदमी पार्टी क्या थी गुजरात में? मुझे लगता है कुछ नहीं थी। कांग्रेस अगर कुछ अच्छा प्रदर्शन करती तो एक बार तब भी माना जा सकता था, हालांकि विधानसभा चुनाव में कांग्रेस ने बढ़िया शानदार प्रदर्शन किया। लेकिन क्या इस विधानसभा चुनाव में जो अब होने वाले हैं गुजरात में, उनमें आम आदमी पार्टी अपनी कुछ पैठ बना पाएगी क्या? और दूसरी बात, आप जो कह रहे हैं कि लोकसभा चुनाव में आम आदमी पार्टी ऑप्शन बनकर के सामने नहीं आएगी, ऐसे में तो ये लगता है एक बार फिर से कि भारतीय जनता पार्टी फिर मजबूत दिख रही है, क्योंकि जनता के मुद्दे जो उठा रही है विपक्ष, वो सारे नगण्य साबित हो जाते हैं जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का भाषण होता है। तो मुझे लगता है जनता देश भक्ति में लीन हो जाती है और मंत्रमुग्ध हो जाती है उनके भाषण को लेकर के। निश्चित रूप से देखिए, आपने सही कहा, जिनके मुद्दे हमने अभी उत्तर प्रदेश चुनाव में भी देखा, इस दौरान विपक्ष ने काफी जो वाकई जो मुद्दे हैं, बेरोजगारी का हो, चाहे महंगाई का हो, चाहे वो जो है कि घुमंतू पशु जो थे उनके उनको फसलों को होने वाले नुकसान का हो, चाहे जो है कि महिलाओं के पुलिस की हिंसा के बढ़ते जो तमाम केसेज आए उसका मामला हो, तो तमाम इन मुद्दों पे जो है कि वो ये विपक्ष ने कोशिश करी चुनाव लड़ा जाए, लेकिन हुआ क्या अंत में जो है कि वही जो है बुलडोजर पे आ गया और वही एक समुदाय के खिलाफ, और मोदी जी ने बाद में कमान संभाली और उसके बाद उन्होंने अपने लिए वोट मांगा वहां सीधी सीधे। तो एक मोदी जी का प्रभाव इसमें दो राय नहीं कि अभी भी जनता के दिमाग में है मोदी जी का प्रभाव है, और उसकी वजह से अंत में मोदी जी को वोट मांगते हैं तो उसका कहीं ना कहीं प्रभाव लोगों को पड़ता है और एक विश्वास भी है लोगों का। हालांकि देखिए, विश्वास की बात 2014 वाली अब रही नहीं, क्योंकि लगातार जिस तरह की नीतियां भारतीय जनता पार्टी आ रही, खासकर अर्थव्यवस्था को लेके जो नुकसान लगातार हो रहा है, लोगों की नौकरियां छूट रही है, महंगाई बढ़ रही है, बेरोजगारी जा रही है, जीडीपी घट रही है, वो तमाम जो फैक्टर्स है जिसके लिए केंद्र सरकार की आलोचना होनी चाहिए और लोगों को उस बात से जो है कि तोड़ना चाहिए केंद्र सरकार को, उसके वो नहीं होते जो मोदी जी कह देते हैं उसके आधार पर लोग अभी भी जो है भारतीय जनता पार्टी को वोट दे देते हैं। तो मुझे लगता है कि एक कहीं ना कहीं लोगों में बैठ गया, मुझे लगता है वो होता है ऐसा जनमानस में होता है। आप याद करिए, 60 के दशक में उसके बाद 70 के दशक में जो है पूरी इंदिरा गांधी का जो है पूरा का पूरा एक करिश्मा चलता था पूरा राज्य, और वो कांग्रेस को जिता के ले आती थी वो, तो उस समय भी काफी विपक्ष कमजोर हो गया था। तो ये होता है, हमने देखा भारतीय राजनीति में इस तरह के करिश्माई व्यक्तित्व उभरते हैं और फिर जनता आंख मूंद के जो है उन्हीं के पीछे चलती है। लेकिन लोकसभा चुनाव में एक बात और आप है कि निश्चित रूप से ये है कि भारतीय जनता पार्टी की राह आसान दिख रही है, निश्चित रूप से, क्योंकि नरेंद्र मोदी वहां आते हैं इस बार, तो नरेंद्र मोदी के नाम पे ही वोट मांगेगी भारतीय जनता पार्टी, तो उसका प्रभाव पड़ेगा। लेकिन ये भी हमें देखना होगा कि दक्षिण भारत में बहुत से विपक्षी दल मजबूत है और वहाँ के जनमानस में अभी जो है भारतीय जनता पार्टी का उतना प्रभाव है नहीं वहाँ। दक्षिण ले लीजिए आप, तो उधर भी कांग्रेस का भी नहीं, छत्रपों का हम कहेंगे कि राज है, वो जो छत्रप है। अगर हम दक्षिण का जिक्र करें, अगर भारतीय जनता पार्टी इतनी मजबूत नहीं है तो कांग्रेस भी मुझे लगता है उतनी मजबूत नहीं है, कि उधर छत्रपों का ही राज है निश्चित रूप से। लेकिन कांग्रेस पार्टी के बहुत से वहां पे जो है अलायंस में भी आ जाती है, जैसे डीएमके है,
या जो है कि केरल की पार्टियां हैं, हाँ। वो एक अलायंस तो यूपीए के साथ रहती है, वही एआईडीएमके जो है वो निश्चित रूप बीजेपी के अलायंस में रहती है, तो वो है निश्चित रूप से। लेकिन बीजेपी को रोकने का मैं कह रहा हूँ, दक्षिण में जो है जो विपक्षी दल है, दूसरे विपक्षी दल है, वो जो है बीजेपी को रोकने का काम करते हैं, तो वो एक प्रभावी ढंग से काम करते हैं, इसलिए बीजेपी का अभी वहाँ पे वहाँ पे पेनिट्रेशन नहीं हो पा रहा है वहाँ पे, क्योंकि जिन मुद्दों पे अंत में चुनाव ले आती है बीजेपी, उस तरह का पोलराइजेशन अभी 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 दक्षिण भारत में नहीं होता है। उत्तर भारत तो पूरी तरीके से पोलराइजेशन जो इसी आदि में आ जाता है, अंत में चुनाव उसी पे होता है कि किस तरह से जो है कि एक हिंदुओं को बचाने के लिए, हिंदुत्व के लिए, और इस पे जहाँ पे बात आके वहीं जाती है, तो उसको कहीं ना कहीं नहीं यह है कि अनाज भी दिया जाता है, वो सब चीजें हैं जो कार्यक्रम है। ये अपने आप में बहुत बड़ा सवाल उठ रहा है, आपने बहुत सही मुद्दा उठाया। केक पे जो आइसिंग लगती है, आइसिंग भारतीय जनता पार्टी वो पोलराइजेशन की लगाती है, वो एक कम्युनल पोलराइजेशन करती है, उसकी लगाती है, वो उसके परिणाम ये होते हैं कि अंत में जो है कि जो फ्लोटिंग मतदाता है वो भी जाके जो है भारतीय जनता पार्टी के हिंदुत्व के नाम से वोट दे देता है। बिल्कुल, ये एक छवि बना दी गई है साफ तौर पर। सौरभ शर्मा जी हमारे साथ जुड़ चुके हैं, कांग्रेस के प्रवक्ता हैं। सौरभ जी आपका भी बहुत बहुत स्वागत है, आवाज मिल पा रही मेरी आपको? सौरभ शर्मा जी आवाज मिल पा रही है आपको? चलिए सौरभ जी को आवाज नहीं मिल पा रही है शायद, रुक करेंगे प्रकाश जी का। प्रकाश जी, हमने 10 तारीख के नतीजों का के बाद का जो जिक्र किया, जो पीएम मोदी का संबोधन रहा पार्टी कार्यालय से, उन्होंने ये कहा कि ये 5 राज्य के जो चुनाव नतीजे आए हैं ये 2024 के नतीजों को तय कर दिए हैं, और एक बार फिर से केंद्र में भारतीय जनता पार्टी आने जा रही है। और उस बयान को अगर देखें तो मुझे लगता है कि भारतीय जनता पार्टी अब जिन राज्यों में चुनाव जीती है, जिन राज्यों में सरकार बना रही है, वहां का जो मंत्रिमंडल होगा वो भी 2024 को ध्यान में रखते हुए रखा जाएगा, जातीय समीकरण को सबको साधने की कोशिश की जाएगी। और ये जो 5 राज्य के चुनाव हुए हैं इनमें 102 लोकसभा सीटें आती हैं, 4 में तो आपकी शानदार जीत हुई है, हैट्रिक आपने मारा। और जो 5 राज्यों का हम जिक्र कर रहे हैं कि 2024 से पहले चुनाव होंगे, 119 लोकसभा सीटें उन 5 राज्यों में आती हैं, हिमाचल का भी जिक्र कर ले अगर जोड़ ले तो मुझे लगता है 122 हो जाएंगी। तो ऐसे में 41% लगभग ये सीटें जो हैं तय हो जाएंगी लोकसभा चुनाव से पहले। क्या यही नतीजे जो है आप कन्वर्ट कर पाएंगे लोकसभा चुनाव में, जो इन 10 राज्यों के नतीजे रहेंगे? जी, ये जो 10 राज्य हैं जिनमें 4 में चुनाव हो चुका, 6 में अगले इन 2 सालों में चुनाव है, जिसमें हिमाचल भी है, जिसमें कर्नाटका भी है, जिसमें राजस्थान भी है अगले साल, जिसमें छत्तीसगढ़ भी है, मध्य प्रदेश भी है, तो कहीं ना कहीं ये जो राज्य हैं ये भारतीय जनता पार्टी के गढ़ कहे जा सकते हैं। पिछले चुनाव का आप देख सकते हैं, इस साल गुजरात में भी चुनाव है, और ये सारे राज्य जो हैं लोकसभा में 100% परिणाम देने वाले राज्य रहे हैं। आप राजस्थान, हिमाचल, उत्तराखंड, गुजरात, इनमें 100% सीटें भाजपा ने जीती। तो कहीं ना कहीं पार्टी को भी एक रहेगा कि भी वो जो पहले का जो परिणाम है वो दोहराए हैं, और उस हिसाब से काम भी किया जा रहा है और काम करेगी पार्टी। तो निश्चित तौर पे रही बात दक्षिण भारत की, जहां तक अभी मैं माननीय पत्रकार जी को सुन रहा था, तो इन्होंने सही कहा है, लेकिन आप एक चीज देखिए कि पिछले चुनाव में, लोकसभा चुनाव में, तेलंगाना और आंध्र प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी पहले से कहीं अच्छी पोजीशन में रही है, वहां हमारे सांसद भी जीते हैं, वहां वोट प्रतिशत भी बढ़ा है, और वहां से आगामी उम्मीदें भी अच्छी है, और पार्टी अच्छी पेट बना रही है। तो मुझे लगता है आगामी लोकसभा चुनाव तक भारतीय जनता पार्टी दक्षिण भारत में भी अच्छा करेगी, मेरा ऐसा मानना है। बाकी उत्तर भारत में जैसा आपने कहा है वैसा कुछ होने जा रहा है, तो विधानसभा परिणाम के आधार पर ही आगे परिणाम होंगे। जी देखिए, परिणाम क्या होंगे वो तो खैर नतीजों के बाद ही पता चल पाएगा। हमने क्षत्रपों का जो जिक्र किया, इनका अपना एक अलग महत्व होता है। हमने पीयूष जी से जब बात की शुरुआती दौर में कहा कि क्या वास्तव में तीसरा फ्रंट भी आ सकता है क्या, जिसकी कवायद काफी लंबे समय से चल रही है। 2019 में भी प्रयास किया गया लेकिन असफल रहा,
अब अगर अगर महाराष्ट्र का ही जिक्र कर लें तो वहां पर शिवसेना के साथ आप चुनाव 2019 में लड़े थे, 25 सीटों पर आप लड़े थे, 23 मुझे लगता है आपको मिली थी और 18 पे शायद शिवसेना जीती थी, अगर मैं सही हूं तो। जी बिल्कुल सही हैं। हाँ, तो अब वहां पर महाविकास अघाड़ी की सरकार है, कांग्रेस एनसीपी और ये शिवसेना अगर ये मिल करके चुनाव लड़ रहे हैं, क्योंकि अभी से शरद पवार भी तैयारी करने लगे हैं, कार्यकर्ताओं में जान फूंकने की वो बात शुरू कर दिए हैं, वो कह रहे हैं, शिवसेना भी कह रही कि अब सक्रियता हमारा जो फोकस है वो 2019 पर है, जाहिर तौर पर है अगर ये लोग महाराष्ट्र में महाविकास अघाड़ी सरकार संयुक्त रूप से सरकार बना रखे हैं, अगर ये लोकसभा चुनाव एक साथ लड़ते हैं तब आपके लिए क्या मानते हैं कि एक बहुत बड़ी चुनौती सामने आकर के खड़ी हो सकती है? जहां तक महाराष्ट्र का प्रश्न है, भारतीय जनता पार्टी का प्रदर्शन पहले से कहीं अच्छा रहेगा, उसका एक कारण है। नहीं, महाराष्ट्र का नहीं रहेगा, देखिए प्रकाश जी, केवल महाराष्ट्र में जिक्र नहीं कर रहा हूं, मैंने कहा कि महाराष्ट्र में ये लोग महाविकास अघाड़ी बना करके अपनी सरकार बना रखे हैं, तो ये पूरे देश में एक साथ आ सकते हैं ना सामने लोकसभा चुनाव में। जी जी, आपका ये कहना है कि पूरे भारत में एक तीसरा मोर्चा खड़े किया है, आप कह रहे हैं। चंद्रशेखर जी, पिछले कम से कम 20 सालों से मैं ये बात सुनता हूँ तीसरे मोर्चे की, पहले कांग्रेस के अगेंस्ट में तीसरे मोर्चे की बातें आई, लेकिन इन सालों में 90 के दशक में जरूर अब हम देखते थे कि सारे मिलकर कांग्रेस के खिलाफ थर्ड फ्रंट बनाया था, उसके बाद 2003 में 4 के लोकसभा चुनाव में भी तीसरा मोर्चा को ज्यादा सफल नहीं रहा, उसके बाद में 9 में भी सफल नहीं रहा, 14 में भी नहीं रहा, तो तीसरे मोर्चे की बात हमेशा चलती है, लेकिन क्षेत्रीय पार्टियां जिनके अपने क्षेत्र हैं, जो सारे महत्वाकांक्षी हैं, तो कहीं ना कहीं इनके हित आपस में टकराते हैं, इनका एक नेता नहीं है, तो तीसरे मोर्चे की कल्पना फिलहाल मेरे हिसाब से बेमानी है, और अगर तीसरा मोर्चा बनता भी है तो मेरा यह मानना है कि भारतीय जनता पार्टी को इससे चुनाव जीतने में कहीं ना कहीं आसानी रहेगी, क्योंकि बाकी विचारधाराएं एक तरफ आ जाएगी और भारतीय जनता पार्टी की विचार तरफ रहेगी और भारतीय जनता पार्टी अपने विकास के मुद्दे पर चुनाव लड़ेगी, तो भारतीय जनता पार्टी को कम से कम ये क्लियर तो रहेगा कि भाई किससे हमारा मुकाबला है, अगर इस तरह का फ्रंट कोई बनता है तो। वैसे फिलहाल मेरी जानकारी के अंदर ऐसी कोई फ्रंट बनने की संभावना नहीं है राष्ट्रीय स्तर पर। आप ये बात कह रहे हैं कि ऐसी कोई संभावना नहीं है, लेकिन उद्धव ठाकरे जो है वो लगातार अब जो है इस सिलसिले में जुट गए हैं और उन्होंने अपील भी की है, उन्होंने बैठक भी की है इस मामले में लेकर के। खैर, लेकिन कोई ममता बनर्जी के नेतृत्व में कोशिश कर रहे हैं, कोई केजरीवाल जी की कर रहे हैं, कोई उद्धव ठाकरे जी की भी कर रहे हैं, कोई शरद पवार जी के भी कर रहे हैं, तो एक नेता भी नहीं है ना इंसान की तरह। ठीक बात, उसी पे आएंगे अभी। सौरभ शर्मा जी एक बार फिर से हमारे साथ जुड़ चुके हैं, कांग्रेस के प्रवक्ता हैं, आपका बहुत बहुत स्वागत है। सौरभ जी, आवाज मिल पा रही है आपको? जी मैं सुन पा रहा हूँ आपको। सौरभ शर्मा जी, दरअसल आज चर्चा हम कर रहे हैं 2024 के लोकसभा चुनाव को लेकर के, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी जैसे ही 5 राज्यों के चुनावी नतीजे सामने आए उसके बाद से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने ऐलान कर दिया कि ये चुनाव नतीजे जो हैं 2024 की लकीर को खींच चुके हैं, और ये नतीजे 2024 के नतीजों में तब्दील होंगे। कांग्रेस आखिर कहां पर कमजोर होती जा रही है दिन ब दिन, और अपने आप को आप 24 में कैसे मजबूत कर पाएंगे, क्योंकि बड़ी चुनौतियां आपके सामने इसलिए भी हैं, 5 राज्यों में चुनाव का जो नतीजे आए वो प्रदर्शन तो आपका खराब रहा, आने वाले समय में जो 5 राज्यों के में और चुनाव है 24 से पहले, उनमें भी बड़ी कठिनाइयां हैं आपके सामने, कांटे भरे रहे हैं, चाहे मध्य प्रदेश का जिक्र कर ले, चाहे छत्तीसगढ़ का जिक्र कर ले, आप बखूबी जानते हैं इन चीजों को लेकर के, गुजरात का जिक्र कर ले तो वहां पर भी आपके सामने बड़ी चुनौतियां हैं, कैसे अपने आप को स्टैंड कर पाएंगे और भारतीय जनता पार्टी को किस तरह से आप चुनौती दे पाएंगे 24 में? जी, तो मैं देखिए आपकी बात से इत्तेफाक रखता हूँ कि कांग्रेस के सामने चुनौतियां हैं, लेकिन कांग्रेस इन चुनौतियों के लिए ही जानी जाती है। इंदिरा जी का भी जब टाइम था तब एक बार ऐसा ही लग रहा था कि कांग्रेस अब समाप्त हो चुकी है, और उसके बाद फिर से दौर आया कि कांग्रेस पूरे देश के अंदर एक भारी बहुमत के साथ आएगी। अभी वर्तमान में जो परिस्थितियां बनी हुई है देश के अंदर, जो जनता जिस तरह हम देख रहे हैं कि कैसे थोक डीजल के भाव में 25 रुपए की बढ़ोतरी हुई है, और जो दूसरी बेरोजगारी और दूसरी समस्याएं हैं,
वो स्थायी हैं, देश के अंदर उसका कोई हल नहीं निकल सका है। पिछले 7 सालों के अंदर सिर्फ बातें हुई है, चाहे आप काले धन की बात कर लो या किसी भी तरह की योजना की बात करो, तो ग्राउंड लेवल पे कोई भी चीज क्रियान्वयन की सरकार नहीं कर पाई है और यही इनकी सबसे बड़ी विफलता का एक कारण है। और जैसा कि चुनावी नतीजे आप कह रहे हैं, मैं आपकी बात से सहमत हूँ कि चुनाव में नतीजे जो हैं वो हमारे पक्ष में नहीं आए हैं, लेकिन फिर भी मैं आपको बताना चाहूंगा कि अगर आप पिछले लोकसभा चुनाव में देखें कि उस समय राजस्थान के अंदर, मध्य प्रदेश के अंदर और छत्तीसगढ़ के अंदर उस समय बीजेपी की सरकार थी और उनको उस समय लोकसभा के अंदर भी उनका फायदा हुआ था। वर्तमान में आप देखेंगे कांग्रेस की सरकार राजस्थान के अंदर है, मध्य प्रदेश में भी हम सीटें ज्यादा जीते थे, फिर बाद में बीजेपी ने इनके इन प्रकार अपनी सरकार बनाई, लेकिन वहां का जो मतदाता है वो अपना मन कांग्रेस के पक्ष में बना चुका है। छत्तीसगढ़ में कांग्रेस की सरकार है। सौरभ जी मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ और राजस्थान पर चर्चा करेंगे और आप ही के पास आएंगे वापस, फिलहाल रुकते हैं एक छोटे से ब्रेक के लिए। ब्रेक के बाद एक बार फिर आप सभी का स्वागत है और चर्चा को आगे बढ़ाएंगे। हमारे साथ सभी मेहमान लगातार बने हुए हैं और 2024 की चुनाव की रणनीतियां अभी से सभी राजनीतिक दल बनाना शुरू कर दिए हैं। सभी राजनीतिक दल सक्रिय नजर आने लगे हैं और ऐसे में चाहे भारतीय जनता पार्टी का जिक्र करें या किसी अन्य राजनीतिक दल का जिक्र करें, ये सभी सक्रिय नजर आ रही हैं। कांग्रेस के सामने सबसे बड़ी चुनौती नजर आ रही है और ऐसे में तो लोकसभा चुनाव से पहले सवाल ये भी उठता है कि क्या थर्ड फ्रंट बन सकता है, लेकिन उसके सामने भी काफी चुनौतियां सामने आ रही हैं क्योंकि जिस तरीके से नेता का भी जिक्र हुआ कि आखिर नेतृत्व तो कौन करेगा, उसको लेकर के ये सभी दल जो विपक्ष के हैं ये आपस में बैठ करके विचार विमर्श नहीं कर पा रहे हैं और इनका जो मतभेद है वो लगातार जारी है। सौरभ शर्मा जी आप ही के पास आएंगे, आपने राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ का जिक्र किया। देखिए जब 2019 में मध्य प्रदेश का जिक्र करें या छत्तीसगढ़ का जिक्र करें या राजस्थान का जिक्र करें, राजस्थान में भी ये पता नहीं था गहलोत साहब और सचिन पायलट में कि मुख्यमंत्री कौन बनेगा। दोनों लोगों ने साथ मिल करके चुनाव लड़ा और उसके बाद जब सरकार चली तो आपने देखा किस तरीके से दोनों लोगों में फूट देखने को मिली। छत्तीसगढ़ में भी जिक्र करें भूपेश बघेल साहब का और टीएस सिंहदेव साहब का कि किस तरीके से फूट देखने को मिली, ढाई ढाई साल सरकार को लेकर के किस तरीके से खींचतान मचा, हालांकि कांग्रेस संभाल ले गई बाद में। ये चीजें क्या, और अगर मध्य प्रदेश का जिक्र करें कमलनाथ जी, क्या वहां पर अपने आप जिस तरीके से, आप बताइए, आप खुद ही आप इस बात को जानते ही हैं, हम क्या आप जानते हैं, सभी लोग जानते हैं कि सरकार बनने के बावजूद भारतीय जनता पार्टी पत्ता साफ कर गई और ऐसे में क्या इन गढ़ों को बचा पाना आपके लिए कम चुनौती है? क्या चुनौती इस बात की नहीं है कि जनता आपके साथ जाएगी या बीजेपी के साथ जाएगी, चुनौती आपके लिए इस बात की है कि आपके अंदर खाने जो कलह मची है उसको कैसे आप शांत कर पाएंगे? जी देखिए कि ये राजनीति जो होती है वहां पर हर व्यक्ति जो होता है वो अपने आप में एक विचार लेके चलता है, उसकी खुद की एक खुद की इच्छा होती है और पार्टी की एक अलग से इच्छा रहती है। अगर आप उत्तराखंड को भी देखेंगे तो उत्तराखंड के अंदर कितने सीएम बीजेपी ने बदले, या चाहे आप गुजरात की ही बात कर लें जिसका मॉडल हर जगह बताया जाता है कि गुजरात के अंदर अभी कौन मुख्यमंत्री है शायद कोई गुजराती या कोई भी व्यक्ति आसानी से नहीं बता पाएगा, क्योंकि वहां पे मुख्यमंत्री जो है वो स्वतंत्र प्रभाव की तरह कभी कार्य नहीं कर पाया। पहले चाहे रूपाणी जी हो या चाहे अभी वर्तमान में जो मुख्यमंत्री हैं या पहले आनंदी बहन पटेल और ये सब, तो हर जगह हर पार्टी के अंदर मैं कहता हूँ कि खींचातानी होती है, लेकिन
किस तरह से इससे निपटा जाए, किस तरह से समावेश आपस में नेताओं का बैठ जाता है, वो चीज होती है कि हर जगह हर पार्टी हर राज्य के अंदर नंबर एक दो तीन के लोग होते हैं और हर व्यक्ति ये चाहता है राजनीतिक महत्वाकांक्षा के अंदर कि मुझे अच्छे से अच्छा पद मिले, अच्छा मान सम्मान मिले। तो ये एक प्रभावी सी बात है जो राजनीति के अंदर प्राय देखी जाती है और हर पार्टी के अंदर देखी जाती है। अब कांग्रेस पार्टी जो है वो अब आने वाले पिछली गलतियों से अब सीख लेकर अब आगे बढ़ने को आतुर है कि हम क्यों उन्हीं चीजों को दोहराएं जिनके कारण कुछ हम हार गए या हम होने की स्थिति में पहुंच गए हैं। तो एकजुट होकर अब हम भविष्य की तैयारी में जुट रहे हैं और 2024 के अंदर जो कांग्रेस आपको दिखेगी, जो थर्ड फ्रंट की भी आप बात कर रहे हैं कि थर्ड फ्रंट को आपका लग नहीं रहा है कि कोई एक जना जो उसका प्रतिनिधित्व करना चाहता है, तो मैं आपको बता दूं कि थर्ड फ्रंट की तरफ से भी कांग्रेस को ही वो एक राष्ट्रीय पार्टी के रूप में देखेंगे, क्योंकि कांग्रेस ही ऐसी पार्टी है जो हर राज्य के अंदर प्रेजेंट है, हर राज्य के अंदर उनके कार्यकर्ता है, हर राज्य के अंदर उम्मीदवार है, चाहे वो सीटें जीते या हारे ये महत्व नहीं रखता, लेकिन उनकी प्रेजेंस हर जगह है। तो अब आप देखेंगे कि 2024 के अंदर जिस तरह से कांग्रेस एकजुट होकर कार्य करेगी, वो निश्चित रूप से भारत की एक नई तस्वीर सामने लेके आएगी। आपने एक बात कही सौरभ जी कि भारतीय जनता पार्टी ने मुख्यमंत्री बदले, आपने उत्तराखंड का जिक्र कर दिया, गुजरात का जिक्र दे दिया, एग्जाम्पल दे दिया, भारतीय जनता पार्टी के अंदर इतनी क्षमता है कि वो अपने नेता को बदल दे, मुख्यमंत्री को बदल दे, बावजूद इसके भारतीय जनता पार्टी के अंदर कलह देखने को नहीं मिलती, होती है लेकिन वो बाहर नहीं आ पाती, घर की दहलीज के बाहर नहीं आ पाती, भारतीय जनता पार्टी सब मैनेज कर देती है और सभी कार्यकर्ता सभी नेता भारतीय जनता पार्टी उस बात को स्वीकार करते हैं जो दिल्ली से फरमान जारी होता है। आपके यहां यह है कि आप हरीश रावत साहब तक को नहीं बदल पाए उत्तराखंड में, और मुझे लगता है कि शायद इस बात को लेकर के आप काफी संशय में रहे होंगे कि चेहरा किसका रखा जाए, हरीश रावत साहब को रखा जाए या ना रखा जाए, बड़े असमंजस में रहे होंगे मुझे जैसा लगता है। और हालात क्या हुए उत्तराखंड के वो आपने देखे, ओवर कॉन्फिडेंस में थे भी आप कि चुनाव उत्तराखंड में जीत जाएंगे, तो ये चीजें कांग्रेस और बीजेपी में अंतर है और इससे हम नहीं मुकर सकते, आप भी मुझे लगता है मुकर नहीं सकते हैं। दूसरी बात पीयूष जी, हमने पहले भी जिक्र किया, आपने हाँ एक चीज जिक्र किया इसके पहले कि ये जो राशन सेवा उपलब्ध हो रही है, केवल राशन का ही हम क्यों जिक्र करें, मुझे लगता है उन तमाम सारी सरकारी योजनाओं का आसानी से कौन जन जन तक पहुंचा सकता है, जनता के बीच में ये बात पहुंच चुकी है क्या, और कांग्रेस अपनी बात जनता के बीच में सही ढंग तरीके से नहीं बता पा रही, या कांग्रेस का विजन जो है वो ठीक नहीं है, क्या वजह है जो जनता बिल्कुल से कांग्रेस को नकारती चली जा रही है। और देखिए एक परसेप्शन और यहां पर बन गया है, भारतीय जनता पार्टी को हिंदूवादी पार्टी के हिसाब से बिल्कुल नजरिए से देखा जा रहा है, बाकी विपक्ष को सारे एक विशेष धर्म संप्रदाय से जोड़ दिया गया हो, मानो अगर गलत कह रहे हो तो बताइए पीयूष जी। नहीं नहीं बिल्कुल ठीक आप कह रहे हैं, बिल्कुल देखिए ये नैरेटिव गढ़ दिया गया है पूरी तरीके से कि विपक्ष जो है वो एक अपीजमेंट की पॉलिटिक्स करता है और वो एक समुदाय विशेष को ही जो है कि के लिए काम करता है, जबकि ऐसा नहीं है। और भारतीय जनता पार्टी जो है वो देश की पार्टी है और वो देश के भले के लिए करती है और सबके सबके लिए करती है, सबका साथ सबका विकास, निश्चित रूप से देखिए हर सरकारी कार्यक्रम की भर्तन भारतीय जनता पार्टी की ये कोई अनुकंपा नहीं है, ये सबका सबको दे रही राशन दे रही, ये तो भारतीय संविधान है, ये भारत का देश है जिसकी व्यवस्था है वो कहती है कि सबके साथ बराबरी की जाएगी, यहाँ तक कि अमीर गरीब के साथ भी बराबरी की जाती है। तो ये उसपे ये दिखाया जाता है कि भारतीय जनता पार्टी ही राशन दे रही है, उसमें आपने देखा होगा किस तरह से कि योगी जी और मोदी जी का जो है राशन के थैले में जो है फोटो छाप दी गई, तो पूरी तरीके से राजनीतिकरण भारतीय जनता पार्टी करती है। तो ये इन्होंने किया है, जो देखिए पहले क्या सबसे बड़ी बात समझिए आप, भारतीय जनता पार्टी क्या कर रही है, भारतीय जनता पार्टी वो हालात पैदा कर रही है जहाँ लोगों को सरकार पे पूरी तरह निर्भर होना पड़े, सरकार के कार्यक्रमों में निर्भर होना पड़े, वो गरीबी बढ़ती चली जा रही है, उनके लिए रोजगार पैदा नहीं हो रहे हैं,
तो उनको एक भिखारी की तरह बनाया जा रहा है, फिर उसके बाद उनको जो है सहायता दी जा रही है, कहीं कैश दिया जा रहा है, कहीं अनाज दिया जा रहा है, कहीं कुछ और दिया जा रहा है, ताकि वो एहसान माने भारतीय जनता पार्टी की सरकार का और उसको वोट दे। ये इसके ये हो रहा है कि आप जनता को धीरे धीरे जो है अशक्त बनाते चले जा रहे हैं, उनकी कैपेसिटी बिल्डिंग नहीं हो रही है, उनकी क्षमताएं नहीं बढ़ रही है, क्षमता के अनुसार उन्हें जो है मौके नहीं मिल रहे हैं, उनको नौकरियां नहीं मिल रही, रोजगार के मौके नहीं मिल रहे उनको, रोजगार के नाम पे आप कहते हैं कि साहब जो है साल के गोबर से आप लखपति बन जाइए या आप जो है पकौड़े बनाइए, मतलब पढ़े लिखे लोगों से आप ये उम्मीद इस तरह की बातें कर रहे हैं, फिर भी लोग आपको जिता रहे हैं, तो इसके मतलब कि आप निश्चित रूप से जो सरकारी अनुदान है, जो सरकारी सहायता है, उसको उसका राजनीतिक फायदा उठा रहे हैं, वो आप दिखा रहे हैं कि हम दे रहे हैं आपको, आपके संकट भी आप ही खड़ा कर रहे हैं, नोटबंदी से संकट आपने खड़ा किया, आप जो है जो प्राइवेटाइजेशन जो आप कर रहे हैं, सरकारी नौकरियां खत्म हो रही हैं, वो भी आप ही ने पैदा किया है, उसके बाद आप जो है रोजगार के अवसर लोगों को खत्म करते चले जा रहे हैं, जो नौकरियां हैं वो भरी नहीं जा रही हैं, तो ये तमाम चीजें आप ऐसे हालात पैदा कर रहे हैं कि जनता को सिर्फ कहें कि आप हमारे आशा हैं, आप हमारी हमको बेहतर बनाइए, और यही आप कर रहे हैं, आप आशा बन के जो है कि जनता को जो है नहीं, तो जनता ने लेकिन इन सारे मुद्दों को तो नकार दिया, जो चुनाव नतीजे आए हैं वो चाहे भ्रष्टाचार को लेकर के हो, चाहे रोजगार को लेकर के हो, और चाहे रोजगार को लेकर के हो, ये चाहे शिक्षा को लेकर के हो, स्वास्थ्य को लेकर के हो, इन सारे मुद्दों को विपक्ष ने उठाया लेकिन जनता ने तो नकार दिया। उसने कहा साहब ठीक है, हमारे लिए तो एक ही पार्टी है, वही हमारी माई बाप है। नहीं, वही मैं आपको कहने की बात कर रहा हूँ कि इस तरह की ये बात, इस तरह से कंडीशन बना दी गई है कि जनता आपकी तरफ निगाहें उठा के देखती रहे कि उसका पेट भर जाए, उसका पेट भर जाए, नौकरी नहीं मिल रही है लेकिन उसका वो कंप्लेन नहीं करेगी जनता, कहेगी बस हाँ अच्छा पेट भर रहे हो आप हमारी, आप हमको दया के पात्र बना के जनता को उनके उनके झोली में जो है 5 किलो राशन 10 किलो राशन इस तरह से दे रहे हो आप उनको, उसी से जनता क्या करे, जब भूखी जनता को कुछ भी मिल जाए तो वो गद्दर हो जाती है, इसलिए तो ये एक भारतीय जनता पार्टी कर रही है जिसका बड़ा नुकसान हो रहा है, इससे क्या हो रहा है कि लोगों की अपनी जो आर्थिक क्षमता है वो कहीं ना कहीं जो है कम होती चली जा रही है, वो अपने पैरों पे खड़ा होना होने की जो उनकी क्षमता है वो खत्म होती चली जा रही है, क्योंकि उनको रोजगार नहीं मिल रहा है, जो नौजवान पढ़े लिखे हैं उनको नौकरी के लिए भटकना पड़ रहा है, इंतजार करना पड़ रहा है सालों साल, परीक्षाएं होती हैं उसमें कहीं कोई रिजल्ट निकलने में बहुत देर हो जाती है, कहीं पे सरकारी नौकरी निकलती है उसकी जो प्रक्रिया इतनी लंबी होती है कि वो उसका जो है कि 3-4 साल जो है वो युवक जो है इंतजार करता रहता है, उसके बाद पता लगा कि जो है गड़बड़ी हो गई उसमें और वो परीक्षा कैंसिल हो गई, वो कहाँ जाएगा, क्या करेगा, आश्रित कर दिया है कि आप हमारे ऊपर आश्रित हो जाइए और हमको सत्ता पर रखिए, हम आपको भोजन देते रहेंगे। प्रकाश जी आपने सुना पीयूष जी को? जी सुना। ठीक है, और एक सवाल इसके साथ हमारा और जुड़ रहा है, हम जोड़ना चाह रहे हैं, जोड़ना ये चाह रहे हैं कि आप तमाम सारी योजनाएं लाते हैं, अच्छी बात है, लेकिन उन योजनाओं के सहारे आपके ऊपर वैसे भी विपक्ष हमेशा आरोप लगाता रहा है कि आप चाहे किसान को लेकर के हो, चाहे नौजवान को लेकर को हो, किसी मुद्दे को लेकर के जब आप आते हैं कि हम उनके विकास की बात करेंगे, उनके हित की बात करेंगे, कारपोरेट घरानों को लेकर के आपके मन में खास तौर पर जिज्ञासा रहती है कि उनको कैसे लाभ पहुंचाया जाए, विपक्ष हमेशा से आरोप लगाता रहा है, आप भी बखूबी जानते हैं। आपकी एक योजना है प्रधानमंत्री फसल ऋण योजना, इसके तहत किसानों को जो लाभ दिया जाता है 16 से लेकर 21 तक के, जो आपने खुद आंकड़े दिए हैं 2900 करोड़ रुपए किसानों के पास पहुंचाया गया है, और जो कंपनियों के पास पहुंचा है वो 3790 करोड़ रुपए का फायदा हुआ है कंपनियों को, ये आपके आंकड़े हैं जो सरकार ने दिए हैं, यानी किसानों से ज्यादा लाभ उन कंपनियों को हो रहा है जो ये पैसा किसानों के लिए जिनके माध्यम से आप भेज रहे हैं। तो अगर ऐसे आरोप विपक्ष लगा रहा है और पीयूष जी जो बात कह रहे हैं इसमें तो सत्य साबित होती बात नजर आ रही है। चंद्रशेखर जी, पहली बात तो ये है कि जो कॉरपोरेट घराने हैं वो और किसान एक दूसरे के पूरक हैं। कोई भी कॉरपोरेट घराना, मैं किसी का नाम नहीं लूंगा, अगर कोई कॉरपोरेट घराना किसी गोदाम का निर्माण करेगा तो किसान की फसल उसमें रखी जाएगी। देश भर में पिछले सालों में बहुत
अनाज नष्ट हो जाता था, सब्जियों के नष्ट होने की समस्या आती थी, फल फ्रूट की नष्ट होने की समस्या आती थी, लेकिन इन सालों में इन कॉरपोरेट घरानों ने अलग अलग जगह पर गोदामों के निर्माण किए, साइलों के निर्माण किए, तो उससे कहीं ना कहीं जो गोदाम जो जो अनाज या जो फ्रूट सड़ जाते थे, जो खराब हो जाते थे, वो कहीं ना कहीं वो बच रहे हैं, तो किसान को उसका पैसा मिल रहा है ना। दूसरी बात, जो कॉरपोरेट घराने हैं चाहे किसी भी राज्य में काम कर रहे हैं, वो भारतीय घराने हैं, भारतीय घराने हैं, तो निश्चित रूप से उनका सामाजिक सरोकार भी जुड़ा हुआ है, वो सरकार को टैक्स भी दे रहे हैं। उसके हिसाब से अगर कोई फसल बीमा योजना में कोई कॉरपोरेट घराना अगर फसल का बीमा कर रहा है और अगर फसल नष्ट हो रही है तो उसका पैसा दे रहा है, अगर अगर आपदा नहीं आती है तो निश्चित रूप से उसका आय इंश्योरेंस के रूप में बढ़ेगी, लेकिन अगर कोई आपदा आती है तो वही घराना उसका पेमेंट भी करता है। तो इस बात का कि उसको इतना दिया गया या उसको इतना दिया गया कंपैरिजन नहीं है। इन कॉरपोरेट घरानों की वजह से बहुत सारी सुविधाएं डेवलप हुई है और ये आप भी मानते हो और हर कोई मानेगा कि आज मैं यहाँ राजस्थान में देखता हूँ कि बहुत सारी जगहों पे गोदाम नहीं थे, वह अनाज नष्ट हो जाता था, तो सरकार ने उसी रूप को आगे बढ़ाते हुए। दूसरी बात, कई जगह से जैसे उत्तर पूर्व में है, दक्षिण में है, कई ऐसी चीजें जो जल्दी खराब होने वाली थी, तो सरकार ने वहां से ट्रेन की व्यवस्था करके और उसको आगे बढ़ाया, उसमें भी ये कॉर्पोरेट घरानों के सहयोग लिया गया, वो स्थानीय रूप से गोडाउन उपलब्ध करा रहे थे, आगे भी उपलब्ध करा रहे हैं, तो इनका तो टोली दम उनका साथ है, इसको आप कैसे निकाल सकते हैं जी। तो ये जो आश्रित वाली बात आ गई, अभी पीयूष जी ने कहा कि आप दरअसल रोजगार देना नहीं चाह रहे हैं और जनता को अपने ऊपर बिल्कुल आश्रित करना चाह रहे हैं, तो आप ये क्या इस बात को मानते हैं कि कांग्रेस या विपक्ष दल जो भी है आपके सामने, वो अपनी बातों को मजबूती के साथ जनता के बीच नहीं पहुंचा पाती और इसी का फायदा आपको मिल जाता है? नहीं, ऐसा नहीं है। कांग्रेस हो चाहे दूसरे दल हो, वो अपनी बात सब जगह रख रहे हैं, लेकिन जनता अपना निर्णय स्वयं करती है। 2014 के बाद में 2016 में नोटबंदी हुई, विपक्ष ने बहुत सारा प्रोपेगंडा इसके खिलाफ फैलाया, लेकिन जनता ने 2018 या 2019 के अंदर लोकसभा चुनाव हुए, उससे पहले भी राज्यों में चुनाव हुए, जनता ने उसका मैंडेट पक्ष में दिया। इसका मतलब जनता को लग रहा था कि नोटबंदी है जो उनके हित के लिए हुई है। दूसरी, कि अनाज का देने का ये कह रहे हैं, ये आपको जानकारी है कि कोरोना काल में जब लोगों के संकट खड़ा हुआ तब सरकार ने ये अनाज सीधा अनाज देना शुरू किया था। अभी तक ये अनाज जारी इसलिए है कि लोगों की अभी स्थिति नॉर्मल नहीं हो पाई है, लेकिन जब स्थितियां सामान्य हो जाएगी। कांग्रेस ने नरेगा शुरू किया था, उसके हिसाब से अब आप खुद देख सकते हैं कि कैसे, लेकिन भारतीय जनता पार्टी ने थोड़ा मॉडिफाइड करके उसको चालू रखा। ऐसा नहीं है, लोगों का काम भी हो रहा है। रही बात नौकरियों की या दूसरे विषयों की, तो वो तो विश्वव्यापी समस्या है, पिछले 2 सालों की कोरोना काल की समस्या है, धीरे धीरे उसका भी निराकरण होगा। लेकिन भारतीय जनता पार्टी की सरकारें कहीं इस रूप में नहीं है कि आप वोटर्स को बंधक बना रहे हैं, वो आप हमारे से अनाज देके जोड़ रहे हैं, ऐसा नहीं है। लोग अपने चक्षु खुले रखे हुए हैं और अपने हिसाब से निर्णय कर पा रहे हैं जी। ठीक बात, अपने हिसाब से निर्णय कर पा रहे हैं। सौरभ शर्मा जी, आपको क्या लगता है कि वास्तव में आपके अंदर कमी है या जो जनता जो है, वही सवाल है आपसे, समझिएगा कि आप अपनी बातों को मजबूती के साथ जनता तक पहुंचा नहीं पा रहे हैं, या वास्तव में जनता ये समझ चुकी है कि अगर उसका कोई हित कर सकता है तो बीजेपी ही कर सकती है, जो कि प्रकाश जी कह रहे हैं। सौरभ जी, सौरभ जी आवाज आ रही है आपको? चलिए, सौरभ जी का संपर्क नहीं हो पा रहा, फिर से जुड़ने की कोशिश करेंगे। पीयूष जी, क्या ये सच है क्या कि वास्तव में भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में पूरा तंत्र ऐसा काम कर रहा है या करता है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के सामने विपक्ष का कोई भी चेहरा अभी खड़ा होता नजर नहीं आ रहा, और मुझे लगता है कि 24 में भी स्थिति जिस हिसाब से भी चल रही है ऐसी रही तो कोई चेहरा सामने टिकेगा नहीं? देखिए, ये बात तो है कि विपक्ष में अभी कमजोरी है, क्योंकि इस तरह के कोई अभी नेता उस तरह से नहीं दिखाई दे रहा है जो सीधी तरीके से जो है कि नरेंद्र मोदी को चुनौती दे सके। लेकिन देखिए, होता रहा है कि
नरेंद्र मोदी सरकार भी वो तमाम मुद्दों को ले रही है। जैसे मैंने आपसे पहले एक चीज और थोड़ा सा क्लियर कर दें पीयूष जी, हमने तंत्र का शब्द का जिक्र किया, तंत्र शब्द का जिक्र इसलिए किया क्योंकि विपक्ष लगातार इस बात की आरोप लगाता रहा है कि जितनी भी संस्थाएं हैं वो सब भारतीय जनता पार्टी के लिए काम करने लगी हैं। आप हमने तंत्र शब्द का इस्तेमाल इसलिए किया, और आप ये जानते हैं कि अब जो ये ब्यूरोक्रेट्स थे इनकी कितनी भागीदारी चुनाव में होने लगी, ये अपनी नौकरी छोड़ के आ रहे हैं, चुनाव लड़ ही रहे हैं, ये तो अभी देख ही रहे हैं। तो मैंने इसलिए तंत्र का शब्द का जिक्र किया, तो इसको लेकर के ये सवाल मैं आपसे पूछ रहा हूँ। योगेश पांडे, प्रकाश जी भी, चंद्रशेखर त्रिशूर कह रहे हैं, इंटरप्ट कर रहा हूं आप दोनों लोगों का, और योगेश पांडे आप बोलिए। पीयूष जी आपको आवाज मिल पा रही है? हाँ, मैं योगेश पांडे हूँ, मैं अपना नाम बता रहा हूँ, मैं आप योगेश पांडे हूँ, आप दोनों लोग लगातार जो है नाम में विस्मय है, तो योगेश, इस योगेश पांडे, हाँ ठीक, अपनी बात रखिए आप। जी योगेश जी, जी योगेश जी, देखिए आप जो बात आपने कही है, निश्चित रूप से तंत्र का तो इस्तेमाल हो ही रहा है, हमने देखा लोग रह गया है, लोग को रिझाने के लिए तंत्र का दुरुपयोग हो रहा है, इसमें कोई जो राय नहीं है। सबसे बड़ा उदाहरण आप देखिए चुनाव आयोग है, इस बार उत्तर प्रदेश चुनाव के दौरान आप देखिए क्या चुनाव आयोग कहीं दिखाई नहीं दिया, तमाम तरह की चीजें हुई, तमाम तरह की जिस तरह के भाषाएं का इस्तेमाल हुआ, तमाम तरह के जिस तरह के जो आपके क्या नाम गाइडलाइंस का जो है उल्लंघन किया गया, लेकिन चुनाव आयोग कहीं चुपचाप बैठा रहा है, ऐसा लगा कि चुनाव आयोग है नहीं। इससे पहले आपने देखा कि उत्तर प्रदेश का चुनाव शुरू होने से पहले जो जिस तरह से इलेक्शन कमीशन के अधिकारी जो है वो पीएमओ जाते हैं, जबकि ऐसा कहीं नहीं है, एक ऑटोनोमस बॉडी है इलेक्शन कमीशन, लेकिन और वो प्रधानमंत्री कार्यालय का ही प्रोजेक्ट आता है इलेक्शन कमीशन में, हर बार यही है, यही होता है, संवैधानिक प्रावधान है, लेकिन इलेक्शन कमीशन पे दबाव डाला गया और वहां से जो पदाधिकारी गए और पीएमओ में मीटिंग करी, अब उनके बीच में क्या हुआ क्या नहीं पता नहीं, अब चुनाव के परिणाम आपके सामने है, तो ये डाउट पैदा हो रहे हैं निश्चित रूप से। जुडिशियरी पे इसी तरह से प्रभाव डालने की कोशिश हो रही है, संसद में आप देख लीजिए जो है कि किस तरह से विधेयक पास कराए जाते हैं पूरा का पूरा तरीके से, तो धीरे धीरे जितने भी डेमोक्रेटिक इंस्टीट्यूशन हैं, डेमोक्रेसी के नाम पे तो बात कही जाती है लेकिन उनको लगातार कमजोर करने करके जो है कि वो एग्जीक्यूटिव के जो है प्रभाव में लाने की कोशिश हो रही है, जबकि संविधान में जुडिशियरी है, लेजिस्लेचर है और एग्जीक्यूटिव है, जिनका पूरा का पूरा एक और एक मीडिया भी है कहीं ना कहीं, उसकी भी भूमिका है, इन सबका जो एक 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 तारतम्य होता है उसको तोड़ा जा रहा है, निश्चित रूप से इसमें कोई दो राय नहीं है, क्योंकि सत्ता में आना ही एकमात्र ध्येय रह गया है, आपको जीत के आना है, उसके लिए आप कुछ भी करिए, उसका दुरुपयोग करिए, जिस तरह से देखिए ब्यूरोक्रेसी ब्यूरोक्रेट जो है वो उनको पहले वो रिजाइन करके जो है पार्टी के टिकट दे रही है और वो जीत के आ रहे हैं, इसके मतलब जो पहले कहीं ना कहीं आपके प्रभाव में थे, पार्टी के प्रभाव में, सरकार के प्रभाव में थे, वो कहीं ना कहीं जो है ये गलत मैसेज जाता है, आप चलिए गलत कहीं भी कर रहे हैं लेकिन मैसेज गलत जा रहा है। ब्यूरोक्रेसी जो बिल्कुल रिटायर होता है कम से कम उसको 2 से 3 साल किसी भी पार्टी को ज्वाइन नहीं करना चाहिए, ये नहीं तो इस तरह के आक्षेप रखते हैं और इसका दुरुपयोग हो रहा है, हमने बहुत से ऐसे इसके उदाहरण सामने हैं, इलेक्शन कमीशन की हमने बात करी, इसी तरह से जो है कि आप ईडी का दुरुपयोग हमने लगातार देखा है पिछले कुछ सालों में, किस तरह से सीबीआई का दुरुपयोग हमने देखा है, किस तरह से हो रहा है लगातार लोअर जुडिशियरी का जो है वो लगातार दुरुपयोग होता रहे तमाम, जिस तरह से यूपीटीए के खिलाफ जो है लोगों को जो है कि इनोसेंट लोगों को भी जो है जेल में डाल दिया जाता है, वो तमाम तमाम दुरुपयोग हो रहा है, तो ये बढ़ाए सिर्फ और सिर्फ जो है अपने को सत्ता में आने के लिए तंत्र का इस्तेमाल ज्यादा बढ़ गया है। कांग्रेस के टाइम में भी जो इंदिरा गांधी थी प्रधानमंत्री, उनके टाइम में ये शुरुआत हुई थी निश्चित रूप से, जो कहीं ना कहीं बहुत आगे जो है नरेंद्र मोदी सरकार ले गई है, और चाहे मोदी जी हो चाहे योगी जी हो, संवैधानिक जो मर्यादाएं हैं, जो लोकतंत्र असली लोग जो लोकतंत्र की जो आत्मा है उसको लगातार जो है फ्लाउट किया जा रहा है, उसको खत्म किया जा रहा है, लोकतांत्रिक संस्थाओं को कमजोर किया जा रहा है, उनका इस्तेमाल किया जा रहा है कि वो आपको सत्ता में आने में मदद करे, और इसमें कहीं ना कहीं मुझे लगता है जो अधिकारी है, जो दूसरे जो जिम्मेदार महकमे में जो लोग बैठे हैं उनकी भी कमजोरी है, हम इस तरह के लोगों को देख रहे हैं,
और देखिए योगेश जी, इसमें कहीं ना कहीं सरकार का भी है कि सरकार इस तरह के लोगों को बैठाती है कि उनके यस मैन हो, ये हर सरकार करती है। लेकिन सवाल ये कि आप किस हद तक जाएंगे, क्या संस्थाओं को बचा के रखना हर नागरिक की जिम्मेदारी नहीं है क्या? मैं नागरिक को भी मानता हूँ, जो नागरिक अगर जो है कि अंधभक्त हो जाते हैं या जो है ब्लाइंडली फॉलो करते हैं सरकार को या किसी पार्टी को, उनको ये सोचना, जागरूकता लानी चाहिए, क्योंकि नागरिक सबसे सर्वोपरि होता है। एक देश का नागरिक जो है सर्वोपरि होता है, संविधान जो है वो सारा उस नागरिक को लेके बनाया जाता है। तो इसलिए जरूरी है कि नागरिक जागरूक हो और वो सोचे कि अगर हम अगर इतनी ज्यादा ताकत दे देंगे किसी पार्टी को, किसी सरकार को, तो निश्चित रूप से उसका बेजा इस्तेमाल होता है, ये बहुत नेचुरल है। अगर आप लगातार किसी को जिताते रहेंगे, इसीलिए कहा जाता है लोकतंत्र में, लोकतंत्र की खूबी यही है कि वो बदल देता है, बदलाव कर देता है। कोई पार्टी ये नहीं समझे कि उसकी ताकत इतनी है कि वो बार बार आ सकती है, ये जनता बदल देती है। लेकिन जनता को जागरूक होना पड़ेगा और ये लेसन जनता को, पार्टी को सिखाना पड़ेगा कि साहब हम सर्वोपरि हैं, आपको हम बदलेंगे, क्योंकि वो जरूरी है, वो राजनीतिक दलों के लिए भी जरूरी है, देश के लिए भी जरूरी है और जनता के लिए भी जरूरी है कि बदलाव होता रहे, ताकि कोई पार्टी ये ना समझे। हमने जिनकी इमरजेंसी देखी थी, इंदिरा गांधी को जो हमने डिक्टेटर होते देखा था, ये उसी ने देखा था कि लोगों ने तमाम लगातार विश्वास जताया था और जो है कि बिना सोचे समझे, इसलिए लोकतंत्र का पर्व होता है। बिल्कुल ठीक बात कह रहे हैं, वही स्थिति हम भारतीय जनता पार्टी में देख रहे हैं, वही स्थिति हम नरेंद्र मोदी सरकार के साथ होते हुए देख रहे हैं। ठीक बात, प्रकाश जी बोलिए आप। जी, मेरा ये कहना है, पहली बात तो ये है कि इन्होंने कहा कि भाई जनता जागरूक नहीं हो रही है, तो मेरा ये जवाब है कि जनता जागरूक हो रही है, इसलिए वो इस तरह का परिणाम दे रही है। क्योंकि जनता को अपने हित के कहीं ना कहीं मुद्दे जो आज तक छुए नहीं गए थे, जिसपे कांग्रेस की जो सरकारें रही थी जिन्होंने उस पर पर्दा डालने का प्रयास किया गया था, उनको कहीं ना कहीं हल किया गया है। तो जनता अब जागरूक होकर मतदान कर रही है और किसी पार्टी के पक्ष में परिणाम दे रही है। दूसरी बात, उत्तर प्रदेश के चुनाव के संबंध में कही कि चुनाव आयोग में, चुनाव आयोग ने अपना काम बखूबी किया, चुनाव शांतिपूर्ण किया, चुनावी प्रक्रिया के अंदर जो संवैधानिक व्यवस्था थी उसके हिसाब से काम हुए। आरोप तो लगते रहेंगे, क्योंकि जो जो भी चीजें हैं वो तो सरकारी मशीनरी पर आरोप लगाने का पूरा इतिहास रहा है, परंतु ऐसा कोई काम नहीं किया गया। दूसरी बात, चुनाव आयोग के अधिकारी अगर पीएमओ में जाते हैं तो पीएमओ प्रधानमंत्री कार्यालय के हिसाब से कोई बैठक में जा सकते हैं, कोई भारतीय जनता पार्टी के कार्यालय नहीं, 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 ये बिल्कुल नहीं, संविधान में ये कोई प्रावधान नहीं है। ऑटोनॉमस बॉडी है इलेक्शन कमीशन, ऑटोनॉमस बॉडी है, लेकिन अगर वो बैठक तो कर सकती है प्रधानमंत्री कार्यालय नहीं, वो जाता है पीएमओ का ऑफिस ऑफिशियल जाता है वहाँ पे इलेक्शन कमीशन के पास, जानकारी नहीं है, लेकिन मेरे को इतनी जरूर जानकारी है कि भाई आपको जानकारी जानकारी नहीं है इस बारे में, जानकारी कर लीजिए आप, भाजपा वालों के साथ यही दिक्कत है। नहीं नहीं नहीं, ऐसा नहीं है, मैंने आपको ये कहा है कि भारतीय जनता पार्टी के पास नहीं जा रहे हैं, वो केंद्र सरकार के पास जा रहे हैं, केंद्र सरकार का एक नहीं जा सकते हैं, केंद्र सरकार के तमाम सारे आरोप लगते रहे हैं। बिल्कुल, उस बात को लेकर के पीयूष जी ने भी अपनी बात रखी है। पीयूष जी, प्रकाश जी और सौरभ जी, आप तीनों मेहमानों को हमारे साथ जुड़ने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। तो जिस तरीके से अब 2024 का हम जिक्र कर रहे थे, लगातार सभी राजनीतिक दल सक्रिय नजर आने लगे हैं। भारतीय जनता पार्टी बेहद सक्रिय है और वो कह रही है कि जो 5 राज्यों में चुनाव के नतीजे आए हैं, इन्हीं नतीजों के जरिए अब एक बार फिर से इस देश का इतिहास लिखा जाएगा और केंद्र में एक बार फिर से भारतीय जनता पार्टी सत्ता पर काबिज होगी। लेकिन ये आने वाला वक्त बताएगा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के सामने आखिर विपक्ष का वो कौन सा चेहरा होगा जो सामने खड़ा हो पाएगा। इस चर्चा में फिलहाल मेरे साथ इतना ही। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए आप बने रहिए एएनबी न्यूज़ के साथ। नमस्कार।